अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन को जो टच करेगा वो हाथ में चढ़ से उखाड़ दूंगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुमन परेशान क्यों, लेकिन अब समझ आया। जिस इंसान को अपना मान समझकर अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दिया, वो इंसान तो इज्जत के लायक ही नहीं है। जरा अकेले में आइए, आपसे कुछ बातें करनी है। चलिए। अंशुमन जी, दादा ये तो बढ़िया तमाशा है। अब देखो हम कैसे बढ़ के समधन को ना अपनी अंगुरी पर नचाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई सुमन को धमकाने की, उससे बदतमीजी करने की? और तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया। तेरे जैसे घटिया इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। अंशुमन जी, सुमन छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, प्लीज ऐसा मत करिए। अंशुमन जी नहीं, इसके साथ गलत करके क्या हासिल होगा आपको? कुछ भी नहीं, मत करिए ऐसा प्लीज। सही कहा तुमने, इस जैसे घटिया इंसान पे हाथ उठा के मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने, इसे तो खत्म ही कर देना चाहिए। अंशुमन जी प्लीज, अंशुमन जी नहीं, अंशुमन जी नहीं प्लीज, अंशुमन जी छोड़ो मुझे। अंशुमन जी ये सब करके क्या होगा फिर, इसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा बताइए हमें। सुमन इन जैसों को जैसे को तैसा करने पर ही समझ आता है। तुम ना ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, ये हम रिश्तेदारों की आपस की बात है। नहीं, ये सिर्फ हमारे आपस की बात नहीं है, तुम उस लड़की के साथ घटिया तरीके से पेश आए। अरे ये तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, फिर भी इसने तुम्हारे और आरती के रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और अगर आज तुम राय बहादुर खानदान के दामाद हो तो इसकी वजह से। तो ये सिर्फ हमारे आपस की बात नहीं है, हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, लेकिन ये जान पूछकर छोटी सी बात को बड़ा बना रही है। वो हम मानते कि हमसे छोटी मोटी गलती हुई थी। शट अप! छोटी मोटी गलती? तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया, सुमन के साथ अपनी लिमिट क्रॉस की, और इसे तुम छोटी मोटी गलती कहते हो? अरे लड़कियों की इज्जत करना जानते नहीं हो तुम, ये है तुम्हारा असली चेहरा। अब हो गई गलती तो उस गलती की कि क्या सजा देंगे आप? कि आप हमें मार देंगे? अरे हम आपकी बहन आरती के पति हैं। पति? अरे जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ हो वो किसी का कुछ नहीं हो सकता। और अब मेरी एक नसीहत ध्यान से सुनो, कल सुबह होते ही चुपचाप यहां से रवाना हो जाना और बिना किसी को कुछ बताए, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। फिर सही में किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहोगे तुम। हम दामाद हैं इस घर के और आप हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी गैर लड़की के कहने पर, जिसके हमारे सामने कोई औकात नहीं है। चुप! अरे औकात तो तुमने अपनी दिखाई है, और सुमन हमारे लिए और इस घर के लिए गैर नहीं है। और अगर गैर होती भी तो भी मैं तुम जैसे भेड़िए को नहीं छोड़ता, फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ती। और अगर आज तुम जिंदा हो ना तो सिर्फ इसकी वजह से, औकात की बात करते। अरे तुम्हारे जैसा इंसान तो हमारा रिश्तेदार कहलाने के लायक भी नहीं है। एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद आरती का डिवोर्स पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब दफा हो जाओ यहां से। आई शुड गेट आउट।
अंशुमन जी, आप प्लीज ऐसा मत करिए, जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला मत लीजिए प्लीज। सुमन, तुम इस इंसान के लिए ऐसा कह रही हो? नहीं अंशुमन जी, हमें आरती दीदी की बहुत फिक्र हो रही है। नहीं सुमन, एक बार ये शादी निपट जाए उसके बाद मैं इसका असली चेहरा पूरे घर के सामने लेकर आऊंगा। ये मेरी बहन के लायक नहीं है, हमें इससे रिश्ता तोड़ना होगा। रिश्ते तोड़ देने से सब सही नहीं हो जाता अंशुमन जी, हमें एक बार आरती दीदी से बात कर लेनी चाहिए। आपका ये फैसला गलत है, हमारी बात मानिए। और उसने जो किया वो सही है सुमन? अगर कोई तुम्हारे इंसल्ट करता है तो वो मेरी और मेरी फैमिली की भी इंसल्ट होगी। तुम हर सिचुएशन में मेरी फैमिली के साथ खड़ी रही हो, तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारे लिए? अगर कोई तुम्हें अपमानित करेगा या तुमसे जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंशुमन जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं, थैंक यू। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप किसी का भी बुरा नहीं बर्दाश्त कर पाते। थैंक यू हमारा मान रखने के लिए, थैंक यू हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। आज आपकी इन बातों से हमारे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या बात है अंशुमन, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं माँ, मैं वो काम से आया था। अब माँ वो बाहर टेंट वाला आया, मैं आता हूँ। तो अंशुमन अब शर्माने भी लगा है। जो बंधन हम बांधना चाह रहे थे वो खुद ही जुड़ने लग गया। बस नंद दीदी की शादी हो जाए तो हम इन दोनों की भी शादी कर देंगे। अरे दामाद जी, ये भैया अचानक कहाँ चल दिए? हाँ मेहमान जी, ये कहाँ सुन रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? घर में शादी है। अरे आरती, तुमने बताया नहीं, क्या बात हो गई? दामाद जी अचानक क्यों जा रहे हैं? मेहमान जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आइए चलिए। बड़ी माँ, इन्हें रोकने की कोशिश कीजिएगा। एक तो गलती इनसे हुई है और इन्हें रोककर आप और भी बड़ी गलती करने जा रही हैं। गलती? अरे मेहमान जी से कहाँ गलती हो सकती है? गलती नहीं बड़ी माँ, अपराध हुआ इनसे। क्यों सौरभ, तुमने बड़ी माँ को कुछ नहीं बताया? अंशुमन, पहलिया क्यों बजा रहे हो? साफ साफ बताओ क्या बात हुई है। सौरभ तुम बताओगे या मैं ही बता दूँ? ये क्या चल रहा है? आप बताइए मैं बताऊं, आप बताइए मैं बताऊं। अंशुमन सीधे सीधे बताओ, क्या गलती हुई है दामाद जी से?
फिलहाल तो मैंने मैटर संभाल लिया दादाजी। मेरी बात हुई इनके चीफ इंजीनियर से, ये छुट्टी अप्लाई किए बिना यहाँ पर आ गए हैं और ऊपर से काम भी अधूरा छोड़ा है। अब इन्हें जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना इनके सिग्नेचर के इनको छुट्टी की मंजूरी मिलेगी नहीं। इसलिए क्यों सौरभ, इतनी सी बात? जी वो एक इम्पोर्टेंट काम रह गया है, उस काम को खत्म करके हम वापस आ जाएंगे शादी के समय तक। चलो ठीक है। रुको सौरभ, मुझसे तो मिलके जाओ। ऐसी गलती मत किया कीजिए। अब इस घर में वापस आना तो अपना व्यवहार और इरादा दोनों बदल के आना, नहीं तो मेरा इरादा तुम्हें अच्छी तरह पता है। चलिए जल्दी मिलते हैं। हम इस घर में वापस आएंगे, लेकिन आरती के लिए नहीं, अपने अपमान का बदला लेने के लिए। सुमन, तुम सोच भी नहीं सकते कि हम कितना खतरनाक बदला लेंगे। लेके जाएंगे, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। दुल्हन क्या है? अरे कहाँ है दुल्हन? हम तो दुल्हन की भलाई लेने आए हैं यहाँ पे। सचिन जी घर आएंगे और दुल्हनिया को ले जाएंगे और हम सब खुशी के गीत गाएंगे। बजाओ सब लोग। सुरभि मां बताइए ना, हम दुल्हन नहीं है। अरे तुम ही हो। ये नहीं है दुल्हन। अरे चुप रहो, अब दुल्हन तुम नहीं हो तो कौन है? हा? अब देखो इसका चेहरा कितना निखर रहा है, जैसे कि हल्दी इसी को चढ़ाओ। सुरभि मां, तुम चुप रहो। इतनी सुंदर दिखाई दे रही है तो दुल्हनिया तो हम इसी को समझेंगे ना, हम इसी को दुल्हनिया समझ के इसकी भलाइयाँ उतारेंगे। अरे मत उतारिए हमारी भलाइयाँ। आप क्या कर रही है सुरभि माँ? ये नहीं समझ ही नहीं आ रहा है। और ये है नकली पड़ोसन। देखा आपने माँ? बिग बी तुम बाज नहीं आओगे। वो मैं माँ कुछ नहीं, वो बस दो सेकंड। माँ इसे छोड़ना मत। अंशुमन जी हम तो तुम्हें मुर्गा बनाएंगे। मुर्गा हमारे भाई के साले साहब। Just wait and watch, okay? लो, कुकड़ो कू, बन गए हम तुम्हारे लिए मुर्गा, मेरी बहन की ननच्ची। By the way, मेरी बलाइयाँ कैसी लगी तुम्हें? फालतू, एकदम फालतू, जैसे तुमने ये पहन रखा है। Really? हमारी बलाइयां लोगे? हाय बड़े।
अच्छा अच्छी नहीं। ए मेहमान जी, हमारा दिया, सूट और घड़ी हमारे कमरे में ही छोड़ गए, इसका क्या मतलब है आरती? हमें नहीं पता माँ, वैसे भी वो आएंगे ही, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। उनसे तो पूछ ही लेंगे, पर तुमको कुछ भी नहीं पता? अब कौन दुनिया में रहती हो? जाओ। आए हो दादा, बड़ी समधन जी, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? मेहमान जी रूस कर चले गए? रूस कर? ये बात आपको कौन बताया? अब वो हम खुद ही अंदाजा लगा लिए। अब शादी का घर छोड़ के कोई ऐसे जाता है क्या? वो भी आपका दिया हुआ सूट और घड़ी छोड़ के? आज मेहमान जी का ऐसे जाना, ये बात तो हमारे लिए भी भौचक करने वाला बात है। आप तो सुल्तानगंज में ही रहती है ना? हाँ, हम भी वहीं रहते हैं और मेहमान जी भी वहीं रहते हैं। अगर आप आज्ञा दें तो हम मेहमान जी और उनके घर परिवार का जन्म पत्री लाकर आपको दिखा सकते हैं। तने पता कीजिए। जी, अब आपका आदेश हो गया है तो हम उनका रसोई का भी खबर आपको लाके दे देंगे। चलते हैं। जी। सुमन, आज तो नंदन गया, पगला जाएगा मेरा भाई। इश्श, सारा मूड खराब कर दिया, पागल हो गई हो? ये क्या बोल रही हो? ओहो, मुझे सब पता है क्या चल रहा है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? रुक, अभी बता। नहीं, तुम्हें रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। नंदनी, जबरदस्त लगी है। देख देख, बेचारा मेरा भाई कैसे रास्ते में पलके बिछाए खड़ा है। ओ नो नंदन, मुझे सिर्फ वही क्यों दिख रही है? हो क्या रहा है सर जी?
बारिश मिलने की अधूरी है, हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की कहना भी जरूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। जो हमको मोहब्बत हुई बस में ना था हमारे, कहना भी जरूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से।